नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा रेफ्रिजरेटर के सेफ्टी और कंडेंसर के बारे में। सेफ्टी के अनुसार एक रेफ्रिजरेटर में कितने लेयर के कंडेंसर का होना चाहिए, कितने लेयर के कंडेंसर की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में आज मैं बात करूँगा। कंडेंसर हमें तब भी रिप्लेस करना पड़ता है जब एक रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर में चोक आ जाए या फिर बहुत सारे डार्ट हो जाए, कंडेंसर के अंदर काला सा पड़ जाए, तब भी हमें रेफ्रिजरेटर के बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए कंडेंसर को रिप्लेस करना पड़ता है, ताकि जो फ्रिज है फ्रिज अच्छे से चल सके और उसका कूलिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहे। तो फ्रेंड्स, जब भी ये बात आती है तो हमें एक डाउट सा हो जाते हैं कि कितने सेफ्टी की फ्रिज में कितने कंडेंसर लगाए, कितना छोटा, कितना बड़ा, कितने लेयर के कंडेंसर हमें उस रेफ्रिजरेटर में लगाना चाहिए, तो ये उलझने पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये उलझन दूर करने के लिए आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ कि इन वीडियो में आज मैं बहुत सारे बात कहूँगा कि जो ये एक टेक्नीशियन के ज़रूर मदद होगी और उनके काम को बहुत आसानी होगी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए घंटे को जरूर बजा दे, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। और जिन लोगों ने अब तक किया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, देखिए यह जो कंडेंसर है, कंडेंसर अगर छोटा या बड़ा होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो कंप्रेसर में दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण जो कंडेंसर है, कंडेंसर काफ़ी हद तक गर्म होती है और कंप्रेसर के ऊपर प्रेशर क्रिएट होती है, तो कंप्रेसर लगातार उसमें ट्रिप होने के चांसेस रहती है और आपकी जो रेफ्रिजरेटर है उनमें कूलिंग की बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सही तरीके से आपकी रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर लगवाना चाहिए, ताकि जितने सेफ्टी का फ्रिज है उतने अनुसार कंडेंसर को लगवाना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि आपको फ्रिज उनके ऊपर कूलिंग की परफॉर्मेंस निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूँ, अगर रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर छोटा या बड़ा हो तो आपको उसे अलग से पाइप लेके सोल्डरिंग करके उस कंडेंसर को बड़ा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं कहूँगा, जैसे कि आपको 20 लेयर की कंडेंसर चाहिए या फिर 15 लेयर की कंडेंसर चाहिए, ऐसा होता है कि मार्केट में वो कंडेंसर साइज अवेलेबल नहीं है, तो आपके दो कंडेंसर खरीदना होगा। दो कंडेंसर खरीदने के बाद उसे काट के सोल्डरिंग करके उसे बड़ा करना होगा, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको छोटा कंडेंसर चाहिए, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको 10 लेयर, 11 लेयर और उससे भी कम आपके जितने भी डिमांड है उन साइज को कंडेंसर खरीद के उसे छोटा करके आपको फ्रिज में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके जो रेफ्रिजरेटर है वो बढ़िया कूलिंग परफॉर्मेंस दे सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है, इनके लिए आपको बहुत सारे रेफ्रिजरेटर के काम करना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जब भी आप 100-250 रेफ्रिजरेटर के काम कर चुके होंगे तो आपके इसका जो एक्सपीरियंस है फुल्ली एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाएगा, तब आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो लिस्ट आज मैं दिखाऊंगा, तो ये लिस्ट एक दो दिन में नहीं हुआ है, ये लिस्ट बहुत एक्सपीरियंस की मदद से ये तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कितने सेफ्टी के फ्रिज में कितने कंडेंसर के लेयर होना चाहिए। अगर आपको सेफ्टी निकलना नहीं आता है तो मेरे इस चैनल में वीडियो है, आप उसे देखकर कितने सेफ्टी का फ्रिज है आसानी से निकल सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से उस वीडियो को देख के आपको सेफ्टी निकालने का जो कैलकुलेशन है आप उसे जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कितने सेफ्टी के फ्रिज में कितने लेयर के कंडेंसर
लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए अभी देखते हैं 7.5 सेफ्टी फ्रिज के लिए 7 लेयर की कंडेंसर आवश्यक है और 8.5 सेफ्टी फ्रिज के लिए 8 लेयर की कंडेंसर और ये जो 9.5 सेफ्टी का फ्रिज है उनके लिए 10 लेयर के कंडेंसर और जो 10.5 है 10.5 के लिए उनके लिए 11 लेयर के कंडेंसर और 11.5 जो है उनके लिए 13 लेयर के कंडेंसर और 12.5 के लिए 15 लेयर के कंडेंसर और 13.5 के लिए 20 लेयर के कंडेंसर रेफ्रिजरेटर में लगवाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स एक बार ध्यान दें कि कंडेंसर अगर 1 फीट या 2 फीट छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया तो उससे आपके रेफ्रिजरेटर का कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है, तो उससे भी आपके रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इस बात को ध्यान देना भी चाहिए और अगर आप इस बात को ध्यान देकर रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर लगवाते हैं तो आपके कोई रेफ्रिजरेटर में दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया परफॉर्मेंस देगी और अच्छा चलेगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों का इस वीडियो के बारे में कुछ हमें सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट करके भी दे सकते हैं और इन वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए है इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो के साथ।